हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिरोही जिला अस्पताल की छत पर रखी पानी की टंकियों को यदि आप देख लें, तो इनसे सप्लाई होने वाले पानी को पीना तो दूर की बात है, आप इससे हाथ तक नहीं धोएंगे। जी हाँ, अस्पताल से ऐसी ही चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अस्पताल की छत पर कुल 90 टंकियां रखी हैं, जिनसे अंदर की ओर बने प्याव में भी पानी जाता है और वार्ड में बने सुविधा घरों में भी। इसी पानी से डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ हाथ धोते हैं, लेकिन अगर आप इन टंकियों को देखेंगे तो पाएंगे कि लंबे समय से इनकी सफाई नहीं हुई। जागरूक टीवी ने देखी स्थिति तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। टंकियों पर ढक्कन नहीं होने का नतीजा बंदर इसमें से पानी पीते हैं। टीम ने जब टंकियों का जायजा लिया तो बंदर खुली टंकियों से पानी पीते कैमरे में कैद हुए। यही गंदा पानी अस्पताल के वार्ड में सप्लाई होता है। अस्पताल परिसर में बनी टंकी में भी यही पानी सप्लाई होता है, जहां से वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजन अमूमन पीने के लिए काम में लेते हैं। अस्पताल के मुख्य भवन की छत पर लगी 35 टंकियों में से एक दो छोड़कर सभी के ढक्कन गायब है। जागरूक टीवी की टीम ने टंकियों में झांका तो पानी से बदबू आ रही थी। टंकियों में काई जम गई थी और पानी में लट तैर रही थी। यही नहीं, पानी में पक्षियों की बीट और कचरा जमा पड़ा था। हॉस्पिटल में 80 से 90 हैं, और चूंकि इनके पूर्व में ढक्कन भी लगाए गए थे, साफ भी कराई गई थी, परंतु क्या बंदर लाते रहते हैं और ढक्कन वगैरह उखाड़ देते हैं। अभी आपने जानकारी में लाया, मेरी भी जानकारी में था, तो एक साथ सारी टंकियां खाली करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल की पानी सप्लाई व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इनको 5-5, 10-10 करके हम लोग टंकियां अभी 15-20 दिनों में सारी साफ करवा देंगे। सिरोही से गणपत सिंह मांडौली की रिपोर्ट।